सभी को जय हिंद जय भारत। और आज आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में अगर आपको जॉब करनी है, सर्विस करनी है, तो आपका जो शरीर है वो कैसा होना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने से जो मापदंड बनाए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आज सेना में भर्ती किए जाते हैं और धीरे धीरे इनमें बदलाव भी किया जाता है। तो बहुत से सवाल रहते हैं कि मेरे बचपन से लहसुन है, मेरे यहाँ पे जला हुआ है, मेरे यहाँ पे कटा हुआ है, मेरे यहाँ पे वो है, फलाना है। तो आज जो बाहरी जो आपको पूरा शरीर दिख रहा है, एक बार पूरा फैला के दिखाना, पूरा शरीर दिख रहा है आपको ए टू जेड, ये कंप्लीट बता देते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत दुबले पतले लड़के भी इंडियन आर्मी में आसानी से लग जाते हैं, तो उसमें आपका ये नहीं देखा जाता कि आपके यहाँ से जो डोले हैं वो बड़े हैं कि नहीं, चेस्ट के यहाँ की सेफ है कि नहीं, सिक्स पैक एब है कि नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। और चाहे आपका शरीर कैसा भी हो, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, एकदम फुर्तीला होना चाहिए, और आपकी जो आर्मी रेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जैसे निशान दिखाना एक बार हाथ पे, ये हाथ पे आपको काफी चोट के निशान दिख रहे होंगे, तो इनका जो है आर्मी में जो है मेडिकल रेफर आपको नहीं मिलता है, बिल्कुल 1% भी आपको इस चीज में रेफर नहीं मिलता है। और अगर कहीं से आपका हाथ जो है वो जला हुआ है, जैसे दूध गिरने की वजह से, जैसे देख सकते हो यहाँ पे जला हुआ है, एक बार पास लाके दिखाना, ये जिस प्रकार ये हाथ जला हुआ है, तो ये आपका चलेगा, क्योंकि आप बोल सकते हो कि दौड़ते वक्त लगी थी या गिर गया था, ऐसा हो गया था। लेकिन अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बड़ा लंबा चीरा लगा हुआ है, उसके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे खूब सारे टांके हैं, तो उससे डाउट हो सकता है कि आपके यहाँ पे रीढ़ की वो जो हड्डी है वो टूटी हुई हो और उसकी हड्डी जो है रोड की वजह से जोड़ी हुई हो। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि लंबा पूरा चीरा लगा है, तो उसका यही मतलब होता है। और आर्मी में आपको एक चीज बता दूंगी, जब मेडिकल होता है तब एक्सरे नहीं होता है, चाहे आपका पैर टूटा हो, हाथ टूटा हो, बस निशान नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो आपको श्योर है कि रेफर दिया जाएगा, आपको MH भेजा जाएगा। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हुए। अब बात करते हैं कि बाहरी ये जो ढांचा है आपका, वो जैसे आप सीधा कर रखे हैं, तो यहाँ के जो जो कंधे दिख रहे हैं, ये शोल्डर है आपके बराबर होने चाहिए, इनको आगे से नहीं देखा जाता, पीछे घूमना एक बार। बाहर का शरीर आप खुद मिरर के सामने खड़े होकर अपना चेक कर सकते हैं। सीधे करना हाथ, बिल्कुल यहाँ से जो है आपको एकदम लेवल में होना चाहिए, अटेंशन में खड़ा हो एकदम, गर्दन सीधी रख। यहाँ के अगर कंधे आपके ऊपर नीचे, यहाँ का ऊपर है, यहाँ का नीचे है, तो ये आपको रेफर मिलने वाला है। एक ये रीढ़ की हड्डी देख सकते हो, थोड़ा सा पास में लेके आना, यहीं पे बस, ये रीढ़ की हड्डी आप दिख रही है, ये हड्डी अगर ऐसे आके और इस साइड से ऐसे घूमी हुई है या इधर से ऐसे घूमी हुई है, तो आपको जो है रेफर मिलेगा, ये 100% गारंटी है। पीछे से आपका शरीर, यहाँ के कंधे जो होते हैं अक्सर बच्चों के ऊपर नीचे होते हैं, वो दिक्कत होती है। एक ये जो हड्डी जो है आपकी, यहाँ की हड्डी छोटी है और यहाँ की इतनी बड़ी है, तो ये आपको रेफर मिल सकता है। आपने देखा होगा कई बच्चों में ये होता भी है। और पीछे से आपका जो बाहरी आता है, यहाँ की आपकी नसों का जो वीडियो था, जो पैरों के बारे में, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया। वेरिकोज का जो पॉइंट मिलता है वो आप बाहर से घर पे भी अपने चेक कर सकते हैं। वापस सामने घूमना। अब बात करते हैं गायनोइकोमेस्टिया। गायनोइकोमेस्टिया है क्या? एक्चुअल में ऐसा है कि आपके यहाँ जो है ये एक साइड से बढ़ा हुआ है इतना, और ऐसे दबाने पे आसानी से दबता है, तू सामने नजर रख, और एक साइड से है बिल्कुल ऊपर, एक साइड से है नीचे, तो ये गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट है और आपको 100% ही मिलेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन अगर कम गायनोकोमेस्टिया है, थोड़ा बहुत है, तो वो रेफर टूट जाएगा, इसका आपको इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे पेशेंट बहुत है जिनको गायनोकोमेस्टिया की दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से ये आपके पॉइंट, शरीर का जो बाहरी आवरण है उसको आप देख सकते हो कि आपकी उंगलियां हैं, उंगलियां हैं, तो इनके हाथ के बारे में मैंने वीडियो लगा रखा है। हाथ और पैरों का कंप्लीट जो चेकअप इंडियन आर्मी में होता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं चोट का निशान शरीर पे कहाँ हो, तो इंडियन आर्मी में नहीं लिया जाता। आपका जो ये पार्ट है, तू नजर सामने रख, ये जो पार्ट है, ये मतलब ये चेस्ट का जो पार्ट है, यहाँ पे आपको इतना बड़ा भी कट का निशान है, इतना भी कट का निशान है, इतना कट का निशान है, ऐसे चाकू जैसे कट का निशान लगा हुआ है और उसमें एक दो टांके डाले हुए हैं, तो आपको जो है इंडियन आर्मी में श्योर है आपको रेफर मिलेगा। बाकी चाहे कट का निशान कहीं भी हो, आपको कोई रेफर नहीं मिलता है। अगर वो दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये नेचुरल चोट लगी हुई है, जैसे दौड़ते वक्त खेलते वक्त, तो आपको जो है रेफर नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें टांके दिखाए, जैसे कई बात करते हैं कि सर ओपन डेक्स का मेरा जो है ऑपरेशन हुआ है, उसका क्या मुझे रेफर मिलेगा? अगर छोटा जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है वो हुआ हुआ है, तो आपको कोई रेफर नहीं मिलेगा। इंडियन आर्मी में आप ओपन डेक्स का ऑपरेशन करवाने के बाद में भी लग सकते हैं। और किसी भाई को ये समस्या हो तो जल्दी इसका इलाज भी करवा ले, इसको छुपा के ना रखे, क्योंकि इस पे जान भी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग आपको पूरी बॉडी बता दी है। और किसी कोई बोलता है कि सर मेरे यहाँ सर में यहाँ पे चोट का निशान है, अगर चोट का निशान हो के यहाँ पे खड्डा पड़ा हुआ है तो आपको रेफर मिलेगा, ऐसे नॉर्मल चोट का निशान है तो आपको रेफर नहीं मिलेगा। कान वगैरह है आपका जो यहाँ से चेक किया जाता है, तो यहाँ कान के भी बारे में वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बता देंगे। यहाँ पे अगर आपके निशान है
तो आपको इंडियन आर्मी में रेफर मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने शरीर को जो है एकदम आप फिट रखें, ऐसा रखें कि दिखने में लगे कि इसमें कहीं हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, क्योंकि वहां आपका एक्सरे नहीं होगा लेकिन आपके जो चोट का लंबा निशान हो जाएगा तो उसका जो है आपको रेफर मिलेगा। और जहां तक हो सके नए बच्चे जो है उनके लिए शेयर जरूर कर दे कि नए जो युवा हैं जो 14 साल के 13 साल के अभी हाथों पे कहीं टैटू वेटू नहीं बनवा रखे हैं वो इस नाम के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि अगर इस उम्र में टैटू खुदवा लिया इतना बड़ा ये हो गया तो आपको इंडियन आर्मी में रेफर मिलेगा, आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा कि इंडियन आर्मी के लिए हमें अपने शरीर को एकदम स्वच्छ और एकदम फिट रखना है कि दिखने में लगे कि ये आर्मी का जवान है। और इंडियन आर्मी में जाते हो तो ये दाढ़ी वगैरह करवा के जा सकते हो, मूछ आप रख के जाओ, कटिंग है जो इंडियन आर्मी की आप करो, अगल बगल के नीचे के सारे वाल आप साफ रखो और शरीर एकदम तंदुरुस्त दिखना चाहिए। अगर कोई कमी है तब भी वो चल जाएगी, लेकिन अगर आप शरीर को ऐसे इसकी तरह रखोगे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, बाल वाल बढ़ा रखे हैं, तो आपको जरूर रेफर मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, भारत माता की जय।